हेलो डियर मेडिकल स्टूडेंट, सो वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल एम मेडिकल। सो आज की इस शॉर्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ लेसन प्लान फॉर डायबिटिक फूड। सो मेनली इसमें क्या होता है कि जो भी हमें हेल्थ टॉक देना होता है जिस भी टॉपिक पे, उसका हम चार्ट और कार्ड के साथ साथ लेसन प्लान भी बनाते हैं। सो लेसन प्लान मेन होता है जिसपे हमें मार्किंग मिलता है, और यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे 10 में 9.5 मिले हैं। तो ये तो मैम का सिग्नेचर है। सो मैं आपको बताता हूँ ये बनाते कैसे हैं। पहले तो हम फ्रंट पेज बनाते हैं जिसमें अपने कॉलेज का नाम, टॉपिक एंड सबमिटेड बाई, एंड आप किसे कर रहे हो वो, और उनका जो भी डिजिग्नेशन होगा उसे भी हमें इंक्लूड करना होता है। उसके बाद हम अपना बायोडाटा देते हैं। बायोडाटा में मैंने तो यहाँ एक पिक भी लगाया जिससे थोड़ा क्रिएटिविटी हो। हम पहले बायोडाटा में लिखते हैं अपना नाम, क्लास। मैं वीडियो इसलिए स्लो बना रहा हूँ ताकि आप भी इसे अच्छे से देख सको और एक बेटर लेसन प्लान बना सको। उसके बाद हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिसमें स्पेसिफिक में हम क्या क्या करना है, जैसे डिफ़ाइन करना है डायबिटिक फूड को, देन एक्सप्लेन करना है फूड केयर हम कैसे करते हैं, डिस्कस करना है एंड केयर ऑफ डायबिटिक फूड एट होम, हम कैसे केयर कर सकते हैं डायबिटिक फूड का घर पे ही। ये जो होता है स्पेसिफिक, ये हमें अपने चार्ट में और फ्लैश कार्ड में इंक्लूडेड होता है जो कि हमें बताना होता है। और मैं आपको और भी बता दूँ, हेल्थ टॉक हम प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज में देते हैं या मदर टंग जो वहाँ की हो, जैसे पंजाब में है तो हम पंजाबी में कोशिश करेंगे कि बोले, नहीं तो हिंदी ही, क्योंकि पेशेंट इंग्लिश नहीं समझ सकते उतना, इसलिए हमें एक हिंदी लैंग्वेज प्रेफर करना होता है। उसके बाद हम यहाँ पॉइंट डालते हैं, फर्स्ट में हम डालते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। इसमें क्या होगा, हम विश करेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन और हमें क्या करना है आज, तो इसका टाइमिंग भी हम लिखते हैं लेसन प्लान में। उसके बाद इंट्रोडक्शन देंगे अपने टॉपिक का, क्या इंट्रोडक्शन है, हम क्या बोलने जा रहे हैं आप सभी के सामने, हम प्रॉपर हिंदी में ही बताते हैं ताकि पेशेंट समझे। देन हमें थर्ड नंबर में क्या करना होता है, असेस करना होता है पेशेंट के नॉलेज, दैट मीन्स एवेलुएट करना होता है कि क्या आप जानते हैं डायबिटिक फूड क्या होता है, वो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इसमें और बोलने में ये डिफरेंस है कि हमें वहाँ जो हिंदी में बोलना है लेसन प्लान में उसे ही इंग्लिश में इंक्लूड करना होता है कॉलम बना के। देन फोर्थ नंबर में हम डिफाइन करेंगे डायबिटिक फूड क्या होते हैं एंड इसके स्टेजेस क्या हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो मैंने नॉर्मल फूड एंड इसके स्टेजेस को बताया है एंड डिफाइन किया है डायबिटिक फूड को। देन इवेलुएट किया है कि व्हाट इज़ डायबिटिक फूड पेशेंट से, कि डायबिटिक फूड क्या होता है, एंड पेशेंट का जो आंसर आया था वो भी बेटर था। इसका वीडियो मैंने बहुत पहले ही अपलोड कर चुका हूँ डायबिटिक फूड पे हेल्थ टॉक, उसे आप देख सकते हैं और अपना कम्युनिकेशन स्किल शायद सुधारने में कुछ आपको हेल्प कर सके। उसके बाद हम फिफ्थ नंबर में एक्सप्लेन करते हैं, ये भी आप देख सकते हो। देन सिक्स्थ में डिजीज़ केयर कैसे कर सकते हैं डायबिटिक फूड का, उसके रिलेटेड हम पूरी नॉलेज देते हैं कि कैसे वॉश करना है, अवॉइड करना है स्मोकिंग को, या एवरीडे फूड को कैसे क्लीन करना है, सॉक्स को वियर करना, ये सारे नॉलेज जिससे हम डायबिटिक फूड को किसी भी डिजीज कंडीशन में वुंड ना फैले उससे बचा सके। हेल्थ टॉक का मीनिंग ही होता है कि हम पेशेंट को घर पे कैसे उसके जो भी डिजीज हैं उससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकें। एंड देन हमें क्या एक्सप्लेन करना होता है कि क्या सजेशन है। देन अब इसमें हमारा रोल क्या है, जैसे मैंने कॉजेज बता दिया, प्रिवेंटेशन बता दिया, अब इसमें नर्सिंग का रोल क्या है, मेडिकल स्टाफ का क्या रोल है, वो हम बताते हैं एट्थ नंबर में। और देन इवेलुएट भी करते हैं, एजुकेशन भी प्रोवाइड कराते हैं कि डायबिटिक फूड या जो भी टॉपिक हो आपकी उसके रिलेटेड हमें एजुकेशन प्रोवाइड कराना होता है। एंड देन हम लास्ट के 2 मिनट में समराइज करते हैं अपने सारे टॉपिक को शॉर्ट में, कि पहले हमने क्या इंट्रोड्यूस किया और फिर कैसे केयर कर सकते हैं, देन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कॉजेज क्या है। सबसे लास्ट में हमें कंक्लूजन निकालना होता है और इसके पीछे वाले पेज को हम खाली रखते हैं जिस पे मैम इवेलुएट करती है पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव क्या है हमारे में। तो आप यहाँ देख सकते हो सारे लगभग पॉजिटिव थे हमारे एबीएड्स जो भी थे, एंड जो कम्युनिकेशन था बेटर, नेगेटिव में हमें कुछ नहीं मिला। एंड यही रीज़न है कि हमें आई थिंक आप यहाँ देख सकते हैं 10 में 9.5 मिला हेल्थ टॉक में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, हेल्थ टॉक के साथ। आपको और भी जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या हेल्थ टॉक के बारे में, प्लीज़ कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।